हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, तहे दिल से आपका फिर से वेलकम करता हूं और स्वागत भी करता हूं, क्योंकि आपने अपना कीमती जो समय है इस क्लास को दिया है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग कुछ दिनों के बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है अपनी कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखें और कहीं पर इधर उधर फोकस ना करें। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास में स्वागत है, और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन का पृष्ठ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। घना एक दो घन दे रखे जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, ऐसे लिखू मैं, घन का आयतन बराबर, ये लिख दिया। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। तो यहां पर लिख देते हैं भुजा की घात 3 बराबर 64। कोई दिक्कत है क्या? घात 3 को हटाने के लिए क्या करते हैं? घनमूल लेते हैं। तो ये ले लिया, घनमूल लेने पर घनमूल का मतलब रूट के ऊपर छोटा सा 3 आएगा, यानी कि 3 3 के जोड़े यहां पर बन जाएंगे। ठीक है, फिर भुजा और इसकी घात 3 बराबर 64, और ये इसकी घात भी 3 हो गई, ऐसा लिख दिया। घनमूल में क्या होता है, ये घात 3 इससे कट जाती है, तो इधर तो क्या बच जाएगा डियर स्टूडेंट, भुजा बराबर 3 लिखेंगे, 64 के गुणनखंड लिखेंगे अपन, 2 4 8 16 32 64। कोई दिक्कत है क्या आपको? लिख दिए गुणनखंड। अब देखना ध्यान से, अब भुजा बराबर 3 3 के जोड़े बनेंगे, तो एक दो बाहर, फिर से एक दो बाहर, तो इसकी जो भुजा है 2 × 2 कितनी हो चुकी है? 4 सेंटीमीटर हो चुकी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। आगे देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, भुजा 4 सेंटीमीटर आ चुकी है और दोनों घनों को मिला दिया जाता है। दोनों घनों को मिला दिया जाता है मतलब ये रहा, ये लीजिए, दोनों घनों को पास पास में मिला दिया। मुझे ये बताओ, घन की भुजा आई 4 सेंटीमीटर, तो जरा सोचो, ये भी 4 और ये भी 4, तो पूरी लंबाई कितनी हो चुकी है? 8 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इससे बना एक घनाभ बन गया, घनाभ बन गया, तो घनाभ जो है, घनाभ की लंबाई एल कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। चलिए, तो यहां पर लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2 cos(L)B + BH + HL, ये होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? लिख दिया अपन ने यहां पर। अब इसके अंदर जो है अपन मान रख देते हैं, तो ये लिखा बराबर 2 cos(L)B, एल का मान है 8, बीच में कुछ नहीं, इंटू बी का मान 4, फिर प्लस बी एच, बी का मान 4, एच का मान भी 4, यानी कि 4 × 4, फिर प्लस बी एच इंटू एल, एच और एल, तो 4 × 8, ये लिखा 2 8 4 32 प्लस 4 4 16 प्लस 4 8 32। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनको जोड़ भी देते हैं, बीच में कुछ नहीं, इनटू मान लेते हैं, ये हो गए 6 7 8 9 10, 10 का 0, हासिल का 1 3, और 3 6 7, और ये हो गए 8। गुणा करवा लेते हैं, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा 8 4 32, 8 4 32, ये हो गए 2 6 7 8, 8 और 9 10, 10 का 0, हासिल का 1 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 2।
तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस पूरे दोनों घनों को मिलाने पर जो नया घन बनाना उसका आयतन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना सवाल पहला। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा क्योंकि जो अभी मार्कर जो उसकी इंक मैंने चेंज नहीं की क्योंकि आज यहां पर मैं ला नहीं पाया, तो अगली जो भी क्लास होगी उसमें ब्लैक इंक यूज की जाएगी जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी और अच्छे से दिखेगा भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला सवाल। अब बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल लिखा हुआ है, इसको मिटा दूं मैं। सबसे पहले तो एक गन का आयतन था, उससे भुजा निकाल ली, फिर दोनों को जमा दिया तो चार चार आठ हो गया और बाकी वो चार चार रह गए, फिर फॉर्मूले में रख दिया मान। ठीक है, चलिए एक घनाभ दे रखा है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक घनाभ है ना, दूसरा प्रश्न। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः L, B और H है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। कोई तकलीफ है क्या आपको? नहीं है। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई L, B और H हमें दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपको जो है यहां पर इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्योंकि मान नहीं दे रखा तो यहां पर फॉर्मूला लिखना है। तो ये हो जाएगा विकर्ण की लंबाई बराबर अंडर रूट L की घात 2 2 2। ये हो चुके हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। दो गोलों की त्रिज्याएं जो हैं R और 2R है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? दो गोलों की त्रिज्या आर व 2R है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, आयतनों का अनुपात पूछा। त्रिज्या जो देखे तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो शेरों सवाल आपके सामने मिल गया। चलिए, त्रिज्या दे रखी है R और 2R, तो उनकी आयतनों का अनुपात निकालना है। मुझे ये बताओ, दोनों ही गोले हैं, यानी कि लिखेंगे अपन यहां पर आयतनों का अनुपात बराबर, ऊपर पहला आयतन नीचे दूसरे का आयतन है ना, पहले का आयतन नीचे दूसरे का आयतन। ये लिखा, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, 4/3 π आर। पहले गोले की त्रिज्या कितनी है? आर ही है, तो आर ही रहने दिया। फिर दूसरे का आयतन गोला ही है, 4/3 π r³। आर, अब दूसरे की त्रिज्या क्या है? 2R है, तो जहां पर R चल रहा है वहां पर कितना लिखेंगे? 2R अपन लिखेंगे। ठीक है, 4/3 π, 4/3 π कट जाएगा तो बचेगा कितना? ऊपर r³, नीचे 2R³। तो 2R को कितनी बार लिखोगे?
तीन बार लिखोगे या नहीं लिखोगे भाई? लिखोगे। देखो आर आर आर, एक दो तीन, तीनों आर तो इससे कट गए, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो एक लिखोगे और नीचे दो इंटू दो चार, और चार इंटू दो कितने हो गए? आठ। तो अनुपात जो है वो क्या आ जाएगा? 1:8 हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत है इस सवाल में? बहुत ही इजी और आसान तरीके से अपन ने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है भाई, ये था अपना सवाल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, तीसरा सॉरी चौथा सवाल। अब चौथा सवाल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अगला सवाल देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चौथा सवाल आज की क्लास का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सौ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, जरा सा ध्यान रखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 100, तो यहां पर लिखेंगे 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जो दे रखा है वो अपन ने यहां पर लिख दिया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वाकई में? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। पाई से तो पाई कट गया भाई, कटा नहीं कटा, कट गया। चलिए अब ले जाते हैं आर स्क्वायर बराबर 100, और इंटू वाले चार को ले आते हैं बटे वा में, चार से इसमें भाग लगा दिया, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो चुका है? 25। भाई लोग हमें यहां पर क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है, और अभी आर का स्क्वायर आ रहा है यहां पर। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ लेते हैं वर्ग मूल लेने पर, तो इधर अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है भाई, तो बचेगा कितना? आर अंडर रूट 25 का 5 × 5, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? जोड़ा बनेगा तो 5 सेंटीमीटर। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो चुकी है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर हो चुकी है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं छोटा सा। बारह पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी? 12 घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी? पांचवा सवाल, 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी? भाई सवाल अपन ने यहां पर लिख दिया आपके सामने, अब त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इसका आयतन, तो यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन बराबर 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। घन सेमी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ बराबर 12 पाई। यहां से समझना साथियों, पाई से तो क्या होगा? पाई कट जाएगा भाई, कटेगा। अब आर का मान निकालना है, आर की घात 3 को इधर रहने देते हैं, बटे वाला 3 कहां पर जाएगा? इनटू में, इनटू वाला 4 कहां पर आएगा? बटे में। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं है। अब आंसर निकाल लेते हैं अपन, तो यहां पर शायद कुछ छूट चुका है, 12 पाई घन सेमी गोले की त्रिज्या क्या? कोई बात नहीं, चलिए
या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, गोले का आयतन था ये, तो ये चार से कटेगा, कितनी बार कटेगा? तीन बार कटेगा। तीन बार कटा तो आर की पावर थ्री बराबर क्या आ चुका है? तीन इंटू तीन क्या हो गया? नौ हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर घात तीन को हटाने के लिए क्या लेते हैं? घनमूल। तो यहां पर भी क्या लेंगे? घनमूल क्यूब आर की पावर थ्री बराबर घनमूल लेंगे, नौ का नौ ही रहने दो, इधर से क्यूब कट जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा? ये आएगा नौ। यही आएगा भाई लोग आंसर यहां पर, या तो सवाल में संख्या कहीं गलत लिख दी अपन ने, बाकी आंसर ही आएगा। क्यों? क्योंकि नौ का गुणनखंड क्या होगा? तीन इंटू तीन, तो तीन इंटू तीन दो बार ही आ रहा, जबकि हमें कितनी बार चाहिए? तीन बार, तभी वो बाहर निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो ये था दोस्तों आज का पांचवा सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास, और जितने भी सवाल हमने यहां पर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आप अपने चैनल ऐसा मैथमेटिक्स का जो प्लेटफॉर्म है यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितनी भी क्लासेज मैंने अपलोड की है उन सभी को जाकर देखे, और अपने जितने भी दोस्त हैं क्लासमेट्स हैं उन सभी के साथ जो क्लासेज हैं उन सभी को शेयर कर दे। तो मिलते हैं नई क्लास के इंपोर्टेंट सवालों के साथ। धन्यवाद।